ये मनस्थिति कहती है। अब तुलसी बाबा ने तो और हद कर दिया, इन्होंने तो इतना ज्यादा आगे चले गए कि जात पूजक शब्दों का प्रयोग करके नीचे हम कहना शुरू कर दिया कि जय बलराधम तेल कुम्हारा सुपत किरात कोल कलवारा। ये कौन जातियां हैं? ये आदिवासी जातियां हैं, ये पिछड़ी जातियां हैं, ये दलित जातियां हैं। किसे हथियार दे दिया? क्या जो जात पूजक शब्दों का प्रयोग करके आप किसी को नीच कहें, किसी को अधम कहें, यही मानवता है, यही धर्म है। और साथियों, हद तो तब हो गई, आज नवरात्र की शुरुआत है, 9 दिन देवियों की पूजा करेंगे। अब कहेंगे यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और इनके किए किराए पर तुलसी बाबा ने पानी फेर दिया, कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, महिलाओं का अपमान, महिलाओं का सम्मान मत करो, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यवस्था में दे दिया ढोल गवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। संविधान कहता है इस देश में रहने वाला हर नागरिक समान है, बराबर है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, सबका सम्मान स्वाभिमान एक जैसा है, इसलिए सबको सम्मान और स्वाभिमान के साथ रहना। आप तो एक वर्ग विशेष की बात करते हो, भारतीय संविधान पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के सम्मान की बात करता है। आप तो कुछ धर्म के नाम पर धंधा चलाने वालों की वकालत करते हो। भारतीय संविधान अपने खून मशीने से, अपने खून पसीने से इस देश को रोटी खाने और खिलाने वाले किसानों मजदूरों की बात करता है। गांव गांव में रहने वाले बात करता है, और साथ भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद भी हमने गई गांव में देखा है, बाबू साहब कितनी बड़ी ताकत वाले क्यों न हो, 200 400 एकड़ की कार्यकारी क्यों न हो, 1 एकड़ 2 एकड़ में उनका राजमहल क्यों न हो, लेकिन दरवाजे पर अगर भिखारी ब्राह्मण का बच्चा भी आता है तो बाबू साहब निकलेंगे, तो बाबू साहब को भिखारी कभी प्रणाम नहीं करेगा, वो कहेगा बाबू साहब की जय हो, आशीर्वाद मुद्रा में बोलेगा बाबू साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, कभी बाबू साहब प्रणाम, राजा साहब प्रणाम नहीं बोलेगा। ये मनुष्य की व्यवस्था है जिसमें 5 साल का ब्राह्मण 6 साल का क्षत्रिय का पिता होता है, वो वही व्यवस्था आज भी सामाजिक संस्कारों में भरा पड़ा हुआ है, देखने को मिलता है, गांव में देखने को मिलता है। और तमाम बड़े बड़े ऐसे जो अपने को